आए दिन शहर में गोलीबारी की घटना हो रही है। इसी श्रृंखला में दिघोरी चौक पर कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने फिरियादी के ऊपर गोलीबारी की, जिसके चलते फिरियादी को मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। आरोपी घटनास्थल से फरार है, पुलिस जांच कर रही है। आए दिन शहर में पुरानी रंजिश को लेकर धड़ल्ले से गोलीबारी की घटना हो रही है। दिघोरी पुलिया चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया के सामने में सुजुकी बर्गमैन MH49BF3428 इस दुपहिया पर फिरियादी इमरान सिद्दीकी और उनका दोस्त चाय पीते वाहन पर बैठे थे। इसी दौरान दिघोरी पुलिया के नीचे से एक दुपहिया वाहन पर तीन अज्ञात लोगों ने हाथ में गांवठी पिस्तौल लहराते हुए फिरियादी के पास पहुंचे और कुछ समझने के पहले ही धाए धाए चार पांच राउंड फायर किए, जिसमें से एक गोली फिरियादी के पांव पर लगी है। इस घटना से हो हल्ला होते ही आरोपी घटनास्थल से भाग खड़े हुए। इस घटना से परिसर में खलबली मच गई। घटनास्थल पर हुडकेश्वर, सक्करदरा, वाठोड़ा पुलिस पहुंच गई। घटनास्थल पर फिरियादी का दुपहिया वाहन और आरोपी द्वारा फायर किए कारतूस जमीन पर दिखाई दिए। पुलिस पूरी घटना की जानकारी लेकर अगली तफ्तीश कर रही थी। घायल फिरियादी को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में सक्करदरा के PI इन्होंने इनबीसीएन समक्ष जानकारी दी। प्राथमिक माहिती अशी आहे की चामडचक्की चौक आहे, दिघोरी चौक या ठिकाणी, या ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला उभे असलेले इम्रान सिद्दीकी आणि त्याचे दोन तीन मित्र असे उभे असताना ॲक्टिवा गाडीवरून तीन इसम आले। त्यांच्याकडे वेपन होतं, फायर वेपन होतं, आणि त्या वेपननं त्यांनी त्याच्यावर फायर केलेलं आहे। आणि तो जखमी आहे, त्याच्यावर मेडिकलमध्ये उपचार आहे, अशी सध्या माहिती आहे। आम्ही गुन्हा दाखल करत आहोत आणि पुढील इन्व्हेस्टिगेशन करत आहे। जखमी सध्या एक जखमी अशी माहिती आहे, त्याच्यावर मेडिकलमध्ये उपचार सुरू आहे। ती माहिती अजून किती गोळ्या मिळाल्या ते नाही माहिती मिळालेली, सध्या त्या मेडिकलमध्ये त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत। तसं सांगता येणार नाही किती फायर झालेले आहेत। आम्हाला ऑन स्पॉट इथं काही MT बुलेट्स आणि काही बुलेट्स असे मिळालेले आहेत आणि पुढील तपास त्याच्यामध्ये आम्ही करीत आहोत। दर्शकों, इस समय भी इन्वेस्टिगेशन की टीम दिघोरी पुलिया के पास है, जहां पे हाल ही में एक फायरिंग की घटना अभी हुई है। सूत्रों के मिले जानकारी के अनुसार एक बाइक सवार, जिसके ऊपर में जो एक दुपहिया जो वाहन था, उसके ऊपर में तीन लोग आए और तीन लोगों ने कुछ, ये वही जगह है जहाँ पे फिरियादी को गाड़ी वहाँ पे दिखाई देती, व्हीकल उस पर फिरियादी बैठे थे और गांवठी पिस्तौल से ये हमला किया गया है, जिसके चलते दो तीन फायर हुए हैं और एक गोली जो है फिरियादी के घुटनों पर लगी हुई है। खबर मिलते ही दिघोरी परिसर में खलबली मच चुकी है। पुलिस यहाँ पे पूरी तरह से है, वाठोड़ा पुलिस है, हुडकेश्वर पुलिस है और सक्करदरा पुलिस यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं और इस तरह की ये जो घटना है नागपुर शहर में बार बार होते जा रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये जो जगह, थोड़ा हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्हें जो फायर किया, वो फायर करने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है और ये वही बुलेट है जिसको फायर करने के बाद वो कैप्सूल इस तरह से गिरी हुई है। आखिर पुलिस इसके ऊपर में रिसर्च कर रही है कि ये जो पिस्तौल है ये गांवठी है या और कौन सी है जिसके चलते ये फायर की घटना हुई है। एक बात तो है कि आए दिन शहर में जिस प्रकार से ये घटनाएं जो हो रही है, चाहे आरोपी लाख अपने को होशियार समझे, इस तरह की घटना होती रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है हर स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि शहर में शांति कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने अब कमर कस ली है, जिसके चलते आरोपी बहुत जल्द पुलिस के गिरफ्त में होगा और इस प्रकार की घटना पर रोकथाम करने के लिए पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से घटना हुई है उसमें एक दहशत का माहौल भी व्याप्त है। ऐसे में देखना ये होगा कि पुलिस आखिरकार किस नतीजे पे जाती है और आरोपी को कितने समय में वो तत्काल गिरफ्तार करती है और लोगों को क्या न्याय देती है। मिली जानकारी के अनुसार जिसके ऊपर में ये फायर हुआ है वो सिद्दीकी, इस समय में मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए उसको भर्ती किया गया है, जिसके बाई टांग के ऊपर में वो गोली लग चुकी है और जो आरोपी है वो फरार बताया गया है। लेकिन पुलिस पूरी तरह से तफ्तीश कर रही है और बहुत जल्द वो सलाखों के पीछे होंगे, इस पर कोई दो राय नहीं है। दिघोरी चौक से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, NBC न्यूज़ नागपुर।